हेलो एंड वेलकम टू दीपमाला एंटरटेनमेंट। वेल फ्रेंड्स, सिद्धार्थ शुक्ला ने लिटरली ये खबर आप लोगों के सुनने लायक है, क्योंकि ये जो भी चीज़ें हैं इसमें जो भी बातें हैं वो सिद्धार्थ शुक्ला की बहुत बड़ी सक्सेस को प्रूफ करते हैं। जी हाँ, सिद्धार्थ शुक्ला की जो BBB3 है उसने खूब धमाल मचाया है और रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स ब्रेक किए हैं। जी हाँ, रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स ब्रेक किए हैं। जो बड़े बड़े धुरंधर कहलाते हैं OTT प्लेटफॉर्म पर, उन सब को जो है पीछे छोड़ दिया है, सबको पटकनी दे दी है सिद्धार्थ शुक्ला ने और सबसे आगे निकल गए हैं सिद्धार्थ शुक्ला। वाकई में लाजवाब है सिद्धार्थ शुक्ला और उनके फैन भी। एक तो अभिनय इतना अच्छा था और उसके ऊपर वैसे तो सब वेब सीरीज आती हैं, स्टोरी लाइन बहुत अच्छी होती है, सब कुछ होता है, अभिनय भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन ये जो सक्सेस है वो अभिनय के साथ साथ सिद्धार्थ शुक्ला के फैंस की भी है। जी हाँ, क्योंकि फैंस ने दिनों रात एक करके खूब प्रमोशन किया और ऐसे फैंस कहाँ मिलेंगे जो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है प्रमोशन करें और इतना दिल से देखें, इतना ज़्यादा पसंद करें, लोगों तक पहुंचाएं। और एक्टिव फैंस हैं, सबसे बड़ी बात यह है सिद्धार्थ शुक्ला के एक्टिव फैंस हैं और दूसरों की तरह नहीं है कि फॉलो करने के लिए कुछ और, होने के लिए कुछ और। ये लोग फॉलो करने से ज़्यादा उन्हें सपोर्ट करने में बिलीव करते हैं। अब आपको बताते हैं, जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि सिद्धार्थ शुक्ला की BBB को आए अभी कुछ ही टाइम हुआ है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी रेटिंग जो है 9.3 है, ये हम आपको कल रात ही बता चुके हैं। अगर ओवरऑल वैसे देखी जाए तो 9.6 है सिर्फ BBB3 सीजन की, लेकिन जब ओवरऑल देखते हैं यानी 1, 2 और 3 का रेशो निकालते हैं, जो कि IMDb पर होता है, ये लोग पिछले सीजन्स की जो है रेशो निकालते हैं सबके साथ मिलाकर। हालांकि 1 और 2 की रेटिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी इनफैक्ट। तो जब BBB3 के साथ मिलते हैं दोनों सीजन तो रेशो निकलता है 9.3। जी हाँ, एंड वैसे सिंगल में थर्ड सीजन का 9.6 निकलता है। अब बड़ी बात आपको बताते हैं, आप लोगों ने कौन कौन सी वेब सीरीज आपकी बहुत फेवरेट है, चलिए छोड़िए, आप बाद में चेक कर लीजिएगा, लेकिन अभी हम आपको बताते हैं। आप पाताल लोक ले लीजिए, काफ़ी ज़्यादा फेमस रही, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने देखी। आप मिर्जापुर ले लीजिए, बहुत बेहतरीन सीरीज थी और फैंस ने काफ़ी ज़्यादा पसंद की। आप तांडव ले लीजिए, जी हाँ, काफ़ी बड़े बैनर के साथ काम हुआ, सब कुछ हुआ, काफ़ी बड़े बजट की वेब सीरीज थी। उसके बाद आप फैमिली मैन भी ले लीजिए, फर्स्ट सीजन बहुत ज़्यादा सुपरहिट था, ये वाला सीजन भी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। इन सभी सीजन की रेट, जो भी आपको ये सारी OTT प्लेटफॉर्म की वेब सीरीज हमने बताई है, 8 और 8.3, 2 और 1 या फिर 8 के अंदर, इससे ज़्यादा रेटिंग किसी की भी नहीं है, किसी की भी नहीं है। और सिद्धार्थ शुक्ला की वेब सीरीज़ की 9.3 एंड सिंगल 9.6। जी हाँ, यानी 10 में जाने में सिर्फ सिद्धार्थ शुक्ला की वेब सीरीज़ को 0.4 की कमी है, वो भी आई एम श्योर आप लोग बहुत जल्दी पूरा कर दोगे। लेकिन आप देखो, जहाँ सारी वेब सीरीज़ और ये जो चीज़ें हम बता रहे हैं, आप जाकर चेक कर लीजिए, बिल्कुल सही है। आपको 8, 8.5 से ज़्यादा किसी की रेटिंग मिलेगी ही नहीं, 8.5 भी बहुत मुश्किल से कोई गई होगी, शायद ही, वरना कोई नहीं गई है जितना हमने चेक किया है। तो बड़ी बड़ी वेब सीरीज के नाम हमने लिए हैं, बाकी छोटी या जो नॉर्मल है वो आप जाकर देख ही सकते हैं, किसी की रेटिंग ऐसी नहीं रही है। सिद्धार्थ शुक्ला ने सबको पीछे छोड़ा है। दूसरी चीज ये, फैमिली मैन का भी जो है प्रमोशन किया, सब कुछ हुआ, खूब अच्छे से प्रमोशन हुआ, वाजपेयी जी हैं, सारी चीजें हैं, लेकिन उसके बाद भी वो ट्रेंड नहीं चले हैं जो सिद्धार्थ शुक्ला के काफ़ी महीनों पहले से चलना स्टार्ट हो गए थे, एंटिल जब तक वेब सीरीज नहीं आ गई तब चला और आने के बाद भी चला। इतने हैशटैग्स किसी के नहीं चले हैं इतिहास में, तो भाई बहुत बड़े बड़े रिकॉर्ड जो है सिद्धार्थ शुक्ला ने तोड़ दिए हैं और हम तो यही जो है उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि आगे भी सिद्धार्थ शुक्ला को ऐसे ही OTT प्लेटफॉर्म पर बहुत सारा काम मिले और हम आपको बताते रहें हर काम की इन्फॉर्मेशन, जैसे कि हम पहले ही आपको देते हैं। तो अभी के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आप कितना हैप्पी हैं। टिल देन, बाय बाय।